हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग। अभी तक हम सेंट्रल लेवल प्लानिंग एंड स्टेट लेवल प्लानिंग के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन जो डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग जो होती है, दैट मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो सबसे बेसिक है, सबसे मतलब बेसिकली बिल्कुल सब स्टेट लेवल पे अगर हम कहें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग की अगर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की दोनों पेपर की लेक्चर सीरीज अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड कमेंट कीजिए आपके जो भी डाउट्स हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम शुरू करते हैं आज का लेक्चर, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग लेक्चर नंबर 23। डिस्ट्रिक्ट को प्लानिंग का सबसे बेहतरीन एक यूनिट क्यों मानी जाती है डिस्ट्रिक्ट, व्हाई? डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बिलो द स्टेट लेवल। आप ये समझिए कि सेंटर पे प्लानिंग हो रही है, उसके बाद स्टेट पे प्लानिंग हो रही है, और स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग हो रही है। तो डिस्ट्रिक्ट ही क्यों, पंचायत क्यों नहीं, या फिर डिस्ट्रिक्ट से अबो क्यों नहीं? तो डिस्ट्रिक्ट इसीलिए मानी जाती है क्योंकि ये सबसे बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है। सो डिस्ट्रिक्ट इज़ द मोस्ट सूटेबल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट किसके लिए, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग के लिए बिलो द स्टेट लेवल। इट इज़ स्मॉल इनफ टू अंडरटेक पीपल इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। अब ये क्या है कि इतनी छोटी है, स्मॉल इनफ कि जिसमें लोगों की जो पीपल्स हैं उनकी जो नीड्स हैं उसको ध्यान में रखा जा सकता है प्लानिंग करते टाइम, इम्प्लीमेंटेशन करते टाइम, और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। और आपको पता होगा कि 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट जो लाए गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद में क्या हुआ कि पंचायती राज और अर्बन लोकल बॉडीज़ को एक कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे दी गई थी, उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ बन गई थी। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ प्लानिंग इज एम्फेसाइज्ड एंड द मैथडोलॉजी ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लान वॉज चेंज्ड। उससे पहले होती थी, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं होती थी, बट मैथड अलग था। 73rd एंड 74th अमेंडमेंट आने के बाद प्लानिंग का जो मैथड है वो चेंज हो गया। प्लानिंग इन इंडिया हैज़ बिन लार्जली कन्फाइंड टू द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल एंड रीजनल प्लानिंग कैन बेस्ट कॉम्प्लीमेंट द फेडरल प्लानिंग बाई कैटरिंग टू द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ द रीजन बाई असेसिंग द लोकल रिसोर्स इन अ रैशनल मैनर। जो रीजनल प्लानिंग होती है, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग होती है, वो बेस्ट इन बेस्ट वे कॉम्प्लीमेंट कर सकती है फेडरल प्लानिंग को, ठीक है? यानी कि फेडरल प्लानिंग जैसी हो रही है वैसे चलने दो, साथ ही साथ आप लोकल लेवल पे आकर भी प्लानिंग करो ताकि लोकल जो डिमांड्स हैं, स्पेसिफिक डिमांड जो है उस एरिया की, वो पूरी हो सके लोकल रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए। अब सिंपल सी बात है, जो नॉर्थ इंडिया की डिमांड है वो वैसी डिमांड नॉर्थ ईस्ट इंडिया की नहीं हो सकती, राइट? क्योंकि रीजन वाइज स्पेसिफिक नीड्स होती हैं, स्पेसिफिक डिमांड्स होती हैं और स्पेसिफिक रिसोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रख करके प्लानिंग की जानी चाहिए और इसमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सॉरी, डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फाउंड एक्सप्रेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फर्स्ट फाइव ईयर प्लान 1951 से 1956 में जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान ड्रॉ किया गया था। ये कहा गया था कि इनफैक्ट ये सजेस्ट किया गया था कि जो प्लानिंग प्रोसेस है बी अंडरटेकन एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू। आप सेंट्रल में कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, प्लानिंग कमीशन के हाथों में आपने पावर दे दी, दैट्स गुड, बट प्लानिंग शुड बी अंडरटेकन एट द स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल टू, राइट? और इसी अरेंजमेंट के साथ अ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईच डिस्ट्रिक्ट टू प्रिपेयर प्लान। ध्यान रखिए कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है। उसके बाद फर्स्ट ARC कॉन्स्टिट्यूट होती है। ARC मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। एंड फर्स्ट ARC स्ट्रेस्ड द नीड फॉर मीनिंगफुल प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्पेशली फोकसिंग ऑन द लोकल वेरिएशन इन डेवलपमेंट पैटर्न। समझिए कि हर एक लोकल, ये हर एक रीजन की एक अलग डिमांड होती है, उनका अलग एक डेवलपमेंट पैटर्न होता है, राइट? तो ARC ने भी ये कहा कि मीनिंगफुल प्लानिंग की ज़रूरत है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि वहाँ पर जो लोकल वेरिएशंस हैं डेवलपमेंट पैटर्न के अंदर, उनको ध्यान में रख करके मीनिंगफुल प्लानिंग की ज़रूरत है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन इंटीग्रेटेड प्लान फॉर द लोकल गवर्नमेंट इन अ डिस्ट्रिक्ट, टेकिंग इनटू अकाउंट द रिसोर्सेज अवेलेबल एंड कवरिंग द सेक्टोरल एक्टिविटीज एंड स्कीम असाइन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल बिलो एंड दोज इम्प्लीमेंटेड थ्रू लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट। समझिए इस डेफिनेशन को। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है। प्रोसेस किसके लिए? लोकल गवर्नमेंट जो होती है उसका एक इंटीग्रेटेड प्लान। लोकल गवर्नमेंट मींस कि जो अर्बन बॉडीज़ हैं और जो रूरल बॉडीज़ हैं उनका एक इंटीग्रेटेड प्लान होता है पूरे डिस्ट्रिक्ट का, और ध्यान में रखा जाता है जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, राइट?
और इसमें क्या आती है, सेक्टोरल एक्टिविटीज़ आती हैं, फंक्शनल एक्टिविटीज़ आती हैं और स्कीम्स, जितनी भी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं वो सारी एक्टिविटीज़ और स्कीम आती हैं इसके अंदर, असाइन टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल बिलो एंड लोकल गवर्नमेंट में जो इम्प्लीमेंट की जा रही है। बेसिकली समझिए आप इसको, प्लानिंग किस तरीके से की जाएगी, पंचायत ने और अर्बन बॉडीज़ ने जो प्लानिंग की है उनका इंटीग्रेशन किया जाएगा, लोकल रिसोर्सेज को ध्यान में रखा जाएगा, अदर देन दैट जो एक्टिविटीज़ और स्कीम कंटिन्यू हैं या जो चल रही हैं, जो इम्प्लीमेंट की जानी हैं एक्टिविटीज़ एंड स्कीम, उनको ध्यान में रख करके जो क्या है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की जाती है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इंश्योर बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ये तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्लानिंग जो है वो जहाँ पर आपको एक्चुअल में डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी है, अगर वही बताए कि हमें किस तरीके के डेवलपमेंट चाहिए तभी बेहतर होता है, ठीक है। पीपल पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है लोअर लेवल पे आकर के। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग इंश्योर बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज एंड एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कंप्राइजेज ऑफ डिफरेंट प्लानिंग यूनिट विद इन अ डिस्ट्रिक्ट। क्या होता है कि सिर्फ एक ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बॉडी बना दी गई और वही सारे डिसीजन ले रही है, नहीं, विद इन डिस्ट्रिक्ट भी काफ़ी सारे डिफरेंट प्लानिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जो डिसीजन लेती हैं। एंड द कंसोलिडेशन ऑफ रूरल एंड अर्बन प्लान्स एज अ डिस्ट्रिक्ट प्लान इज डन बाय द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, राइट। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का आप जिक्र सुनेंगे जब आप 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट को पढ़ेंगे, तब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जिक्र आता है। तो रूरल प्लान्स और अर्बन प्लान्स को एज अ डिस्ट्रिक्ट प्लान कंसोलिडेट करते हैं, दोनों के प्लान्स को मिक्स करते हैं और फिर एक डिस्ट्रिक्ट प्लान तैयार किया जाता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के द्वारा। डीपीसी जो है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी इज फॉर्मड अंडर द स्टेट प्लानिंग बोर्ड एंड द मेंबर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द म्युनिसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत इन द म्युनिसिपैलिटी, अर्बन लोकल बॉडीज, लाइन डिपार्टमेंट ऑफिशियल फ्रॉम द स्टैंडिंग कमेटी, राइट। सो ये सारी क्या है, डीपीसी का पार्ट है। ये आप अलग से भी सर्च कर सकते हैं डीपीसी के बारे में। आर्टिकल 243 ZD, ये आप पढ़ते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये इंसर्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाय द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, एंड इट बेसिकली लेज डाउन दैट इन एवरी स्टेट अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड इन ईच स्टेट। हर स्टेट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होनी ही होनी चाहिए, ये आर्टिकल 243 ZD कहता है। और आर्टिकल 243 ZE कहता है बेसिकली कि एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी होनी चाहिए हर एक मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन एरिया की जो डिमांड्स हैं, जो कंडीशंस हैं, वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंटीग्रेटिंग द मेट्रोपॉलिटन प्लान्स एंड द डिस्ट्रिक्ट प्लान्स विद द स्टेट प्लान विल रेस्ट विद द स्टेट गवर्नमेंट। जैसे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है वो क्या करती है, रूरल और अर्बन प्लान को कंसोलिडेट करती है, वैसे ही अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के जो प्लान्स हैं और स्टेट का जो प्लान है उसको कंसोलिडेट करने का या इंटीग्रेट करने का काम किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट के पास है, राइट। तो आई होप आपको डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग समझ में आ गया होगा किस तरीके की होती है। फर्दर अगर आप डिटेल, मतलब किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट है, डिटेल में जाना चाहता है, तो वो गूगल कर सकता है, आपको डिटेल्स इजीली मिल जाएंगी दैट व्हाट इज़ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, कैसे फंक्शन करती है, क्या स्टेजेस होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लान के अंदर, तो आप डिटेल देख सकते हैं, बट ठीक है। एंड आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट टॉपिक विल बी इंडिकेटिव प्लानिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।